इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में खत्म करेंगे। पार्ट वन कवर होगा इस वीडियो में और पार्ट टू जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, बिल्कुल मजे से चलेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। और सिंपल सी बात है, आपको खाना इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में खाना आपको बना के खाना पड़ता है, पर मैं ऑलरेडी आपको बना बनाया खाना प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, सिर्फ आपको खाना है और कैसे प्रोवाइड कराऊंगा वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, देखो किसी भी चैप्टर या टॉपिक की अगर हम डिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, समझ लो अपना आधा काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है ना। तो यहां पे एक अच्छी सी डिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाए। देखो, एनिमल्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, एनिमल्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये किस बेस पे डिवाइड किया गया ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहां पे मैंने फीचर लिखे हैं। ठीक है, पहला फीचर क्या है, नोटोकॉर्ड। देखो बिल्कुल ऑपोजिट करते चलना है, नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट, इनमें अब्सेंट। देखो नोटोकॉर्ड, यहीं से तो नाम आया कॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट। पोस्ट एनल टेल, इसमें प्रेजेंट, इसमें अब्सेंट। देखो इसको ऐसे याद रखना, सिंपल है, इसमें सब कुछ प्रेजेंट आ रहा है, इसमें सब कुछ अब्सेंट आ रहा है। ठीक है, हार्ट देखो इसमें वेंट्रल, इसका ऑपोजिट इसमें हो जाएगा डोर्सल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कैसा होगा डोर्सल, तो इसमें ऑपोजिट वेंट्रल। इसमें होगा होलो, तो इसमें ऑपोजिट सॉलिड। इसमें होगा सिंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑपोजिट डबल। अब हमारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है कि नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं और कॉर्डेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो नॉन कॉर्डेट्स में कौन से एनिमल आते हैं, फाइलम, फाइलम देख लो कौन से आते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में आए फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमीकॉर्डेटा तक। ठीक है, अब कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो हो गए प्रोटोकॉर्डेटा और एक हो गए वर्टिब्रेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा में क्या आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा में क्या आएंगे, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। देखो इसके आगे आ रहा है ए, ए मतलब अब्सेंट, ग्नेथा मतलब जो, जबड़ा। ठीक है, जिनमें जो यानी जबड़ा अब्सेंट हो गए वो होंगे एग्नेथा, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लो स्टोमेटा, और जिनमें जो प्रेजेंट होगा, जो जबड़ा जिनमें प्रेजेंट होगा वो होगे ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पाइसिस एंड टेट्रापोड्स। पाइसिस सिंपल है, जिनमें फिंस प्रेजेंट होंगे वो होंगे पाइसिस, और जिनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे टेट्रापोड्स। पाइसिस में क्या आ जाएंगे, अपनी फिश आ जाएंगी, मछलियां कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, और टेट्रापोड्स में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब देखो यहां पे एक और कंफ्यूजन आती है। देखो हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने कॉर्डेट्स यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको किस बेस पे डिवाइड किया, कि यूरोकॉर्डेटा कौन से होंगे, सिफेलोकॉर्डेटा कौन से होंगे और वर्टिब्रेटा कौन से होंगे। तो इसका आंसर अब हम देने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड किया क्या, देखो हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड या प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, कॉर्डेट्स क्या होते हैं हम देख चुके हैं कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और कॉर्डेट्स को हमने डिवाइड किया प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में। अब प्रोटोकॉर्ड्स फर्दर दो टाइप के, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखो नोटोकॉर्ड से खेलना है, सिर्फ नोटोकॉर्ड के साथ खेलना है। ठीक है, नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, यूरोकॉर्डेटा में क्या होती है, नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड हेड टू टेल एक्सटेंड करती है, नोटोकॉर्ड हेड टू टेल एक्सटेंड करती है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है?
होती है, नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, बट एडल्ट स्टेज में क्या होता है, इस नोटोकोर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, वर्टिब्रल कोलम से। अब वर्टिब्रल कोलम साफ साफ लिखा हुआ है, ये तो कॉमन सेंस भी है, कार्टिलेजिनस या बोनी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। वर्टिब्रल कोलम तो पता है ना, वो अपने थोरेसिक सर्वाइकल लंबर वो वाली, बिल्कुल एक एक कंफ्यूजन क्लियर है। अब देखो वीडियो के इस टाइम से अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। एक बात मैं बता दूं क्लियरली कि इनकी इतनी सारी ट्रिक्स मत बनाना, ये चीजें भूल जाएंगी, इनको याद ही करना है, इतनी सारी ट्रिक्स नहीं याद रहेंगी। आपको मैं एग्जांपल्स की ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद रह जाए वो बहुत बड़ी बात है ना, इतनी सारी ट्रिक्स नहीं याद रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल टेक ऑफ करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिमिट्री। देखो एसिमिट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे, स्पंजिस होंगे, ठीक है। और रेडियल सिमिट्री किसमें प्रेजेंट होगी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कैसे, एडल्ट फॉर्म में, ठीक है। और बाइलेटरल किसमें, इनको छोड़ के बाकी जो भी बचे रेस्ट ऑफ ऑल सब में, ठीक है। सिमेट्री के बाद नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेलुलर लेवल किसमें होगा, पोरिफेरा में। टिश्यू लेवल किसमें होगा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में। और ऑर्गन लेवल किसमें होगा, प्लेटीहेलमिंथिस में। और ऑर्गन सिस्टम किसमें होगा, रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है जर्माइनल लेयर। जर्माइनल लेयर सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता लग रहा है, डाई मतलब दो और ट्रिप्लो मतलब तीन। दो मतलब इसमें सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, और ट्रिप्लो मतलब तीन, मतलब इसमें एक्टो भी प्रेजेंट, मीजो भी प्रेजेंट एंड एंडो भी प्रेजेंट। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएंगे, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है सीलोम। नेक्स्ट है सीलोम। अब सीलोम क्या होता है, सीलोम की डेफिनेशन सिंपल सी है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीलोम कैविटी होती है, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, है ना, कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सीलोम देखो, एसीलोमेट एनिमल्स कौन से होंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है। नेक्स्ट है सूडो सीलोमेट कौन से होंगे, एसके हेलमिंथिस। इसको ऐसे याद रखना, भूल जाए तो आस्क, आस्क मतलब पूछना, हम बार बार किससे पूछते हैं, जो बार बार झूठ बोलता है उससे बार बार पूछना पड़ेगा, तो सूडो मतलब झूठ, आस्क मतलब पूछना, तो ये याद हो जाएगा। सीलोमेट कौन से हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल। देखो यहां पे कॉमन सेंस की बात होती है ना इनमें एक, देखो मान लो सीलोम पहली बार इसमें आया है ना, यहां पे आना शुरू हो गया था, सूडो है पर पहली बार आया एसके हेलमिंथिस में, यहां पे दिखाई दिया। अब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इससे नीचे जितने भी फाइलम आएंगे एसके हेलमिंथिस के बाद, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, उन सब में वो चीज प्रेजेंट होगी, है ना। फिर से मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो सबसे पहले एसके हेलमिंथिस में आया है ना, तो कॉमन सेंस की बात है इससे ऊपर सब में अब्सेंट होगा और इससे नीचे सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कोर्डेटा में, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। नेक्स्ट है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ। इंट्रा सेलुलर किस में, पोरिफेरा में। एक्स्ट्रा सेलुलर किस में, रेस्ट ऑफ ऑल। और बोथ किस में, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, बिल्कुल क्लियर ना। इंट्रा सेलुलर पोरिफेरा में, बोथ किस में होगी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस में। और एक्स्ट्रा सेलुलर किस में होगी, रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी बचे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अब यहां पे जो अपनी ह्यूमन फिजियो में चीज आएंगी ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चीजें आएंगी, एक्सक्रीटरी में आएंगी, सर्कुलेटरी में आएंगी, मैं वहां से वो चीजें उठा के इसी चैप्टर में लिया है कि वहां पे हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे बता रहा हूं, है ना। हो सकता है आपको ये चीजें ह्यूमन फिजियो में मिले पर एनसीईआरटी में पक्का मिलेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप, तो एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे ही याद रखना है कि ओपन किसमें प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। और क्लोज्ड किसमें होता है, वर्टिब्रेट्स में एंड एनालिडा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हार्ट की। अब हार्ट की किसकी, वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करें, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड। टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, फिशेज में होता है। सिंपल सी बात है, हम पीछे से लेके आगे तक चल रहे हैं, मतलब फिश, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिर बर्ड, मैमल और ये, ठीक है। देखो टू चैम्बर्ड किसमें, फिश में होता है, फिर उसके बाद थ्री चैम्बर्ड एम्फीबिया और रेप्टाइल में, और फोर चैम्बर्ड किसमें होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल पे मैंने लगाया है स्टार, क्यों लगाया है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है तो टेक्निकली होना तो चाहिए थ्री चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल में होता कैसा है, फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजन है फर्टिलाइजेशन की। अब ये बार बार आपको अलग अलग से याद करना पड़ता है, मैं एक ही जगह पे बोल रहा हूं, इसको खत्म ही करो यार, है ना, टंटे को। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल
फंगल किसमें होती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। और बोथ किसमें होती है? बोथ मतलब इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। किसमें? एनालिडा में एंड मोलस्का में। इसको थोड़ा ऐसे याद रखना, देखो एनालिडा में भी डबल एन आ रहा है मतलब बोथ, मोलस्का में भी डबल एल आ रहा है मतलब बोथ, डबल वाला, ठीक है। और इंटरनल रेस्ट ऑफ ऑल, इनको छोड़ के जितने भी बचे उनमें इंटरनल, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन से एनिमल होते हैं? टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी लगभग लगा के चलो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। नेक्स्ट है, देखो वही मैं फिर से बात कर रहा हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो अपनी लास्ट पेज पे जो टेबल दी हुई है उसको आपको ये इजीली उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कंप्लीट किस में आया? एसके हेलमिंथीज में। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एसके हेलमिंथीज में पहली बार आया, तो कॉमन सी बात है, एसके हेलमिंथी से पहले जितने भी हैं जैसे पोरीफेरा है, प्लेटी हेलमिंथीज है, टीनोफोरा है, उन सब में क्या होगा? इनकंप्लीट होगा। और एसके हेलमिंथीज के बाद जितने भी आएंगे जैसे एनालिडा हो गया है ना, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसमें कंप्लीट होगा, सेम इनके लिए भी चलेगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहली बार कंप्लीट आया एसके हेलमिंथीज में, और सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहां प्रेजेंट हुआ? एनालिडा में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार कहां प्रेजेंट हुआ? अर्थ्रोपोडा में। अब इसकी सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। देखो आईपीएल की टीम है एक दिल्ली कैपिटल्स, है ना, दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स आपको याद होगा, ये पिछले से पिछला आईपीएल शायद हुआ था, उसमें वो हार गई थी, मतलब वो रनर अप थे, फाइनल में हार गए थे। तो दिल्ली कैपिटल्स रनर अप, यहां पे क्या है? ट्रिपल ए। यहां पे क्या है? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए तो अपना फ्लो है ना, एसके हेलमिंथीज, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, तो ये कुछ है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स रनर अप। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा अब्सेंट है ना, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो टाइप से इसको करेंगे, पहले हम नॉन कोर्डेट्स को कर लेते हैं, फिर कोर्डेट्स को कर लेते हैं। अब नॉन कोर्डेट्स में क्या है? पोरीफेरा से लेके हमारे पास कहां तक आते हैं? हेमिकोर्डेटा तक आते हैं। तो आंख बंद करके सब में क्या कर दो? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जो ट्रिपल ए है, यानी ट्रिपल ए मतलब जो हमारे क्या है, एसके हेलमिंथीज, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा है, उनमें इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कोर्डेट्स की, ठीक है। देखो ये हमारे पास प्रोटोकोर्डेट है, यूरोकोर्डेट, एनसीफेलो, इनमें क्या है? इनडायरेक्ट। और एक एम्फीबिया में, एम्फीबिया में है इनडायरेक्ट, बाकी सब में है डायरेक्ट। अब साइक्लोस्टोमेटा के डायरेक्ट पे मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया, क्यों लगाया है? क्योंकि आप एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें एक लार्वा प्रेजेंट होता है। अब देखो ये एक बहुत अच्छी कंफ्यूजन आती है, इससे बचने के लिए क्या करना है? देखो मोनोइशियस और बायसेक्सुअल एक ही बात है ना, मोनोइशियस और बायसेक्सुअल, यहां मोनो है यहां बाय कर दिया, और डायोशियस और मोनोसेक्सुअल एक ही बात है, यहां डाय था यहां मोनो कर दिया, तो ऑपोजिट कर देना, ऑपोजिट कर देना, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है बायसेक्सुअल मतलब जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो एक ही इंडिविजुअल में होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल बना सकता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और ये किस में होगा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथीज। और किस में होगा? ये अर्थवॉर्म एंड लीच में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये किस में होंगे? देखो मोनोसेक्सुअल मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। और ये किस में होगा? इनको बचा के, इनको छोड़ के जो भी बच गए, रेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन पोरीफेरा में कैसे? डिफ्यूजन। सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन। टीनोफोरा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब्सेंट। प्लेटी हेलमिंथीज में डिफ्यूजन। एसके हेलमिंथीज में डिफ्यूजन। एनालिडा में मोइस्ट क्यूटिकल। अर्थ्रोपोडा में, देखो अर्थ्रोपोडा में इनको ऐसे याद रख लेना, मैं बोल रहा हूं ये पूछ लिया जाएगा, ये याद रखना है आपको। प्रॉन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स, इंसेक्ट में ट्रेकिया, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, और मोलस्का में Like gills, Echinodermata में gills, Hemichordata में gills, Urochordata and Cephalochordata में pharyngeal gill slits, fishes में gills, amphibian, reptile, bird, mammal में lungs, ठीक है। एक थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो। देखो यहां पे बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही थी, डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, है ना, ऐसी इस टाइप की चीजें चल रही थी। फिर क्या आए हम? फिर gills की तरफ आए, है ना, फिर aquatic है तो gills की तरफ आए। जैसे जैसे पानी में से एनिमल्स बाहर निकले, मतलब जमीन पे आने लगे, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल जमीन पे रहते हैं, तो उनमें आ गए लंग्स। तो थोड़ा सा इसको पैटर्न के साथ करना।
नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, और कहां दिया हुआ है, ह्यूमन फिजियो में किडनी वाले चैप्टर में, तो इनको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें होते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज, रोटिफर्स, सम एनालिट्स एंड एम्फियोक्सस में, और नेफ्रिडिया किसमें, अर्थवॉर्म एंड अदर एनिमल, मालफीजियन ट्यूब्यूल किसमें, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, एंटीनली और ग्रीन ग्लैंड किसमें होते हैं, क्रस्टेशियन प्रॉन्स में, और किडनी किसमें होती है, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जितने भी सारे हैं सब में किडनी आ जाएगी।